दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और जयसवाल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और अंग्रेजों को बता दिया कि असली भारतीय टीम क्या है, क्योंकि जब भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 668 रन बना दिए थे तो भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने का, जिसे देखकर इंग्लैंड की टीम मैदान पर रोने लगी। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस किस बल्लेबाज ने शतक ठोका और रोहित शर्मा ने सबसे तेज दोहरा शतक ठोक के कैसे रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। इस वीडियो को पूरा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को रौंदने के बाद तीसरा टेस्ट मुकाबला आज राजकोट के मैदान पे शुरू हो गया, जहां पे कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से टॉस जीतते ही बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, जिसमें जायसवाल ने तो पहले ही ओवर में पहली गेंद में हमला बोल दिया और पहले ओवर में एंडरसन के 4 चौके जड़ दिए और ताबड़तोड़ अंदाज को रोहित शर्मा और जायसवाल ने कायम रखा, जिसमें जायसवाल ने 65 गेंदों में 104 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। हालांकि जायसवाल के आउट होने के बाद सुमन गिल आए तो मैदान पे माहौल बदल गया, क्योंकि दोस्तों सुमन गिल ने सिर्फ 48 गेंदों में 112 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। लेकिन गिल के आउट होने के बाद जब विराट कोहली मैदान पर आए तो पूरे ग्राउंड पर कोहली कोहरी का शोर देखने लायक था। फिर क्या दोस्तों, विराट कोहली ने मोमेंटम को जारी रखा और इंग्लैंड के गेंदबाजों को पानी मांगने पे मजबूर कर दिया अपनी बल्लेबाजी से, और विराट कोहली ने भी 85 गेंदों में 128 रन की पारी खेल के इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए। उसके बाद दोस्तों मैदान पे कुछ ऐसा हुआ जो कभी इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने सोचा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इंग्लैंड की गेंदबाजों की ऐसी धुनाई करी कि बेन स्टोक बेबस नजर आए और बेन स्टोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये टेस्ट मैच है या T20। दोस्तों एक तरफ जहां रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा कर लिया था तो वहीं विराट कोहली ने साथ देते हुए 150 रन पूरे कर लिए थे। दोनों ने मिलकर 276 रन की एक बड़ी साझेदारी निभा दी थी, जिसको देखकर इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों ने अपने कंधे झुका दिए। उसके बाद दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा इतने में कहां मानने वाले थे। रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 37 गेंदों का सामना किया। इसी के साथ कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक ठोक दिया, जिसे देख ग्राउंड के सभी दर्शक रोहित रोहित करने लगे। और फिर पहले दिन का खेल खत्म होने तक रोहित और कोहली नॉट आउट पवेलियन लौटे, जहां पर 668 रन बना दिए थे भारतीय टीम ने। तो दोस्तों आपको कैसी लगी भारतीय टीम की इस अभ्यास मैच में पहले दिन की बल्लेबाजी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।